یہ کریت کس نے مٹائی؟ آپ لوگوں کے جذبات نے مٹائی. بات میں سچی کہہ رہا ہوں. آپ پوچھ سکتے ہیں, میں اپنے دل سے سوال کرتا ہوں, یہ فقیر چند وہ راز نہفتہ, وہ سیکرٹ, وہ پردہ جس کو آج سنسار میں جنم جنمانتروں سے رشیوں نے اپنے سینے میں رکھا, تو اس کو ظاہر کر رہا ہے کیوں؟ کیا تیری غلطی نہیں ہے؟ یہ ایک سوال تازہ میرے اندر ہے. وہ راز کیا ہے؟ راز وہی ہے جو ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا دے, آپ آپ کو آپ پہچانو, کہا اور کالیک نہ مانو. کہتے وہ بھی گئے, ممکن ہے شاستروں میں بھی یا ویدوں میں بھی ایسا کوئی منتر ہو, مگر میں چونکہ سنسکرت نہیں جانتا میں نہیں کہتا. یہ تجربہ مجھے آپ لوگوں کی بدولت ہوا, میرے بندی چھوڑ آپ لوگ ہیں. میں باوجود کے اندر میں بین سنتا, باوجود اندر میں ابھیاس کرتا, باوجود میں اتنا پریمی تھا, مگر میری کرید نہیں جاتا. وہ کرید کس نے ختم کی؟ آپ لوگ. ایک شخص مجھ کو لکھتا ہے, بابا جی میں اوپر چڑھ کے بڑے بھارے پرکاش کے کنویں میں ایک قدم کا پھول ہے اس پر آپ کو بیٹھے ہوئے سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, اور آپ کے وطن وہاں سنتا ہوں اپنے گھر. اب جب میں اکیلا بیٹھتا ہوں اپنے آتما کے انتر میں, میں سوچتا ہوں فقیر چند کیا اس کو پتا ہے؟ جس دن اس نے یہ واقعہ مجھ کو سنایا وہ مجھ کو الہ آباد میں ملا. میں رادا سوامی دھام سے واپس آ رہا تھا, وہ جو آیا پھولوں کے ہاتھ لیے ہوئے انگور اس کے ہاتھ میں تھے, اس نے پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈال دیے, انگور میرے منہ میں دینے شروع کر دیے. میں نے پوچھا, بھائی تو کون ہے؟ تو وہ حیرانگی سے پوچھتا ہے, مہاراج آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا, میرا نام ہزاری سنگھ ہے. پھر میں پچھلے دشہرے کے ستسنگ پر گیا تھا, آپ سے نام دان لیا تھا. اب اے دنیا کے رہنے والوں, ان مذہب اور ملتوں کے پجاریوں اور سنت کے لیڈروں, وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے نام لیا, اور وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے انتر میں یہ چیزیں دیکھتا ہے. نہیں سمجھ میں آتی؟ اور جس نے نام دیا ہے اور جس کو وہ دیکھتا ہے وہ لا علم ہے. ان تجربات نے مجھے کہاں پہنچا دیا؟ ان تجربات نے مجھے کہاں پہنچایا؟ شانتی مل گئی. جاکھو جتی برہما تھکے سر نر منی دیوا, کہیں کبیر سن سادھوا, کر ست گرو سیوا. گاتا دیال کے چرنوں میں تلاش کو کرتا ہوا میں گیا تھا, بھرم میں تھا, اجان میں تھا, مورت تھا اور نادان. اس ذات پاک نے جب کبھی
उनके एहसान याद आते हैं, वो अपनी दशा याद आती है। जिस वक्त मैं आप मन का मारा हुआ, इस माया और काल ग्रस्त होता हुआ मैं भागता फिरता, अगर मैं काल और ग्रस्त में न होता तो मैं इतनी प्रगति क्यों करता। मेरे दिल में किसी से अब क्या हो गया, दाता के चरणों में गया, उस रात पास में मेरे अज्ञान की अवस्था का नाम उन्होंने प्रेम रख दिया। अज्ञानी बन के दौड़ा करता था कि नहीं, अब तो आंख मेरी खुल गई, अज्ञानी बन के दौड़ा करता था कि नहीं, भागा करता था उनके पीछे जिस तरह तुम भागते हो, मैं जाता हूँ, मेरे पाँव को मत्था करते हो, फूलों के हाथ चढ़ाते हो, आप भी जमीन पर गिरते हो और मुझे भी नीचे फेंकते हो। तो वो अज्ञानी था ना, मैं भी तुम्हारी तरह किया करता था। तो मेरे उस अज्ञान और बेवकूफी का नाम उन्होंने प्रेम से प्रेम रख लिया, क्योंकि तो बड़ा प्रेमी है। समझ में आती है, मैं विषयी था। विषय दो प्रकार के होते हैं, एक शीर्ष विषय है जो स्त्री और पुरुष के भोग का होता है, एक मानसिक विषय होता है, मन अपने अंदर किसी प्रीतम को प्यार करके उससे मिलना चाहता है और आनंद लेना चाहता है, ये मानसिक विषय है। योगी जन क्या करते हैं, अंतर में समाधि लगाते हैं ना, काने उंगलियां बंद बंद करके, क्या बनता है उनका, वो अपने अंतर में मूर्ति को बना के आनंद ही तो लेते हैं ना। तो किसी ने स्त्री से मिलकर आनंद ले लिया और किसी ने मन अपने से अपना प्रीतम बना करके अपने मन के अंदर में आनंद ले लिया, वो विषय आनंद शारीरिक है, ये मानसिक है और वो आत्मिक है, तीनों ही आनंद है। और है क्या आनंद की चीजें, दुनिया फिरती है कि नहीं फिरती, और फिर क्या लुत्फ है मेरे मानसिक आनंद का विषय का नाम मुझे योगी मशहूर कर दिया। और लुत्फ और देखो उन्होंने क्या तारीफ, क्या मेरे साथ प्रेम का सलूक किया, ज्ञान देने के लिए। जो आदमी हर वक्त किसी खबत में मुब्तला है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, वो पागल नहीं होता दुनिया में, पागल ही होता है ना। तो मैं ज्ञानी बन के सोचा करता था, शून्य क्या है, महाशून्य क्या है, भगवत गुफा क्या है, राम क्या है, पुरानी चीज क्या है, पुरानी चीज क्या है, पुरानी, तो मैं पागल नहीं था कौन सा। मेरे पागलपन का नाम उन्होंने ज्ञानी रख दिया। दक्षिणाचार्य कौन समझे बात मेरी, कह रहा हूँ सत्य जी सत्य, कौन समझे बात मेरी, कह रहा हूँ सत्य जी सत्य, कहना मुझे चाहिए न था पर ये नहीं है मेरे बस, कहना मुझको चाहिए न था मर ये नहीं है मेरे बस, मौज है माल की आया हूँ जहाँ इसलिए, मौज है माल की आया तू जहाँ में इसलिए, आजाद कर जाऊ मैं उनको जो है यहाँ फंसे हुए, आजाद कर जाऊ मैं उनको जो यहाँ पर फंसे हुए।
अब मैं इस अनुभव के तजर्बे के बाद किस नतीजे पर आया, कि खुदा परस्ती, हक परस्ती, दिल परस्ती, इस्म परस्ती काल और माया है और तमाम दुनिया इसी में मुस्करा हो रही है। असली मार्ग क्या है? असली मार्ग यह है कि सत्संग में जाकर राज को समझ लो कि हम कौन हैं। हम कहां से आए हैं और कहां को जाना है, हम कहां से आए हैं। वो जो लामकानी अवस्था है, जो हमारा घर है, वहां क्या है? जहां ना ये दुनिया है, ना खालिक है, ना मखलूक है, ना खलकत है। कबीर साहब का शब्द सुनाओ, हमारा आज घर क्या है? वाणी जी ने सबूत दे दिया, अब कबीर की वाणी ने सबूत है। हाँ, दूर गवन तेरो हंसा हो घर अगम अपार, दूर गवन तेरो हंसा हो घर अगम अपार, नहीं वह काया नहीं वह माया, नहीं वह काया नहीं वह माया, नहीं वह त्रिगुण पसार, दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार, चार बरन ओवा है नाही ना है कुल व्योहार, चार बरन ओवा है नाही ना है कुल व्योहार, ना छे चौदह विद्या नाही, न छे चौदह विद्या नाही, नहीं है वेद विचार, दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार, दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार, जप तप संयम तीर्थ नाही नाही नेम अचार, जप तप संयम तीर्थ नाही नाही नेम अचार, पांच तात नहीं उत्पत्ति भइले, पांच तात नहीं उत्पत्ति भइले, सो पर ले के पार, दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार, दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार, तीन देवना तैतीस कोटि नाही दसो अवतार, तीन देवना तैतीस कोटि नाही दसो अवतार, सोरे शंख के आगे होई, सोरे शंख के आगे होई समर्थ कर दरबार, दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार। मैं सारा जीवन मेरे दोस्तों मेरे भाइयों इन वाणियों को सुना करता था, इन वाणियों ने मुझे पार बना रखा और मुझे आज अफसोस कहना पड़ता है कि दाता जाल ने भी इन रमूज को खुला। यहां लिखा हुआ है सोलह शंख के परे, मैं गलत कह रहा हूं। अब एक आदमी जो मालिक के मिलने का इच्छुक है और संतों के दरबार में चला जाता है, नहीं समझ में आती। अगर कोई गुरु ये कह देता है भाई संतों का मार्ग सब एक है,
कहता है कि नहीं, मगर जब एक है तो जो सुनने वाला है तो वो, अगर कोई राधा स्वामी मत वाला है तो जब वो कहते हैं कि एक ही मार्ग है तो वो कबीर की वाणी को भी सच्चा ही मानता है ना, तो जब वो उस वाणी को पढ़ता है तो वो अपने तजर्बे के साथ मिलाता है तो फिर वो रोता है कि मैं कहां गया। बात आपकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात मैंने जो कही है दुर्गादास, तुम ये मेरे लंगोटी हैं बस सुन के, ये मेरी सच्चाई के कर्म को मेरे बसरे बुजाल वाले जानते हैं कि मैंने किस तरीके से अपने जीवन के ज्ञान में गुजारा है। अब किसी ने तो इस संघ का फैसला नहीं किया, किसी महापुरुष ने नहीं किया कि संघ है क्या ये। मेरी उम्र गुजर गई, जो कुछ मैंने समझा है मैं वो आज कह जाता हूँ, मुझे दावा नहीं जो मैं कहता हूँ। 16 संख के आगे, संख क्या है? संख एक चीज होती है जो समुद्र से बनता है, इसके बीच में कीड़ा रहता है और पानी इसके बीच में से चल चल करके फिर दूसरी तरफ जाता रहता है। हवा का फूंक एक तरफ से मारो तो वो दूसरी तरफ आवाज देती हुई निकल जाती है, यही संख है ना, कोई और तो नहीं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर में 6 चक्र हमारे पिंड के, 6 हमारे मन के, और असली तो सारा 6 ही हमारे आत्मिक अवस्था के हैं, मगर उनमें से जो 4 हैं वो शामिल करके 16 किस्म के संख। जब तक इंसान की तवज्जा इन संखों में से गुजरती हुई, इन चक्रों को बेचती हुई उस आखिरी मुकाम तक नहीं जाती, तो चक्रों के बेचने से क्या मतलब कि शरीर का ध्यान जाता रहता है, 6 चक्र खत्म हो गए। नहीं समझ में आती है? ऐसा साथे जिस्मानियत तुम्हारी खत्म हो गई, 6 चक्कर खत्म हो गए। ऐसा साथ तखैले मन तुम्हारे खत्म हो गए, तखैले मन तुम्हारे खत्म हो गए, 12 चक्कर खत्म हो गए। तखैले मन, मन के जितने तखैल, मन बुद्ध के संकार के जितने काम थे जहां वो खत्म हो गए, वो न रहे तो 12 संख से आगे चले गए कि नहीं चले गए? तो मारे में बिल्कुल आसान था, मगर खोपड़ी में समझ नहीं आता था। नहीं समझ में आई? अच्छा, महात्माओं ने पता नहीं किस लिए, मैं नहीं कहता, अगर बददिमाग हो जाऊं तो ये कहूं कि उन्होंने अपने मतलब के लिए, और अगर सही और दिमाग हो के बात कहूं तो इस बात से कि दुनिया समझ नहीं सकती थी, अगर साफ बात कह दिया है तो दारे और मजहब टूटते थे, इस ख्याल से दोनों बातें। मैं तो अपना सही और दिमाग रहा और ना खराब और दिमाग रहा, दिमाग ही छोड़ गया तो सही और खराब का क्या हिसाब रहा? मजबूरन जिस्म में आके फिर दिमाग को लड़ना पड़ता, मैं दिमाग ही छोड़ गया, 16 संख के चक्कर जो पड़ा चला गया तो दिमाग ही खत्म हो गया, किसको क्या कहूँ क्या है तो क्या नहीं, नहीं समझ में आती। एक तो 16 चक्कर, उसके आगे जो है वहां आत्मा की कॉन्शियसनेस रहती है, क्योंकि ये अमल का मजमून है। जब तक महासुन की गति तुम्हारे नहीं आती, लाख तुम कोशिश करो तुम वहां तक जा ही नहीं सकते, मैं बतेरा कहता रहूं तुम समझ ही नहीं सकते। ये लफ्ज भी मैं इस्तेमाल करूंगा समझाने के लिए, वो लफ्ज बता दे खुद एक जाल बन जाएंगे, जिस तरह कबीर साहब के शब्द मेरे लिए जाल बने हुए थे। 16 संख क्या, 16 संख क्या, 16 संख बुला का नाम है। एक बार दूसरा ये भी हो सकता है कि कबीर साहब की दिमाग की हालत थोड़े वहां कर दे, फिर इस पर आकरा बाल में कौन हूँ जो शरीर जाते हैं।
جب اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین سے پانی تین گنا زیادہ ہے, پانی سے ہوا کا کرا زیادہ ہے, ہوا سے اگنی کا کرا زیادہ ہے, اگنی سے آکاش کا کرا زیادہ ہے. یہ فزیکل فریم ہے. اگر ایسے ہم حساب لگانے لگے ہیں تو بھی میں مانتا ہوں کہ سنکھا میل پڑے ہے اوپر طاقت, جہاں سے یہ تارے نکل کے اس رچنا کو کرتی ہیں. مگر 16 سنکھ کیسے ہے یہ میرے عقل نہیں مانتی. اس واسطے میں کہتا ہوں نا کہ سنتوں نے بانیاں رچ لی اور دنیا کو پھمبل پھوسے میں ڈال دیا. اب چکر کھاتی پھرتی ہے دنیا, کھاتی تو نہیں کھاتی مگر میرے, میں نے تو کھایا, مجھے اوروں کا پتا نہیں. میں نے کھایا ساری زندگی بھر گیا ہدایت نامہ رادھا سوامی مت کا, جو سارے سٹیجز کا حال ہے. میں نے ساری زندگی سفر کیا, 12-12 گھنٹے میں نے رات کو ابھیاس کر کے دیکھا قبر گفا کیا ہوتی ہے. تو جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہ بیان تو کر چلا, آسان سے آسان بنا دیا. مگر دنیا ہے, یہ آسان اور سہل چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سہل ہو بھی جاتی اگر یہ مہاتما موجودہ زمانے کے سچائی سے کام لیتے. جب میرے ساتھ ان کی اکیلی بات چیت ہوتی ہے اس وقت تو میرے ساتھ سہمت ہو جاتے ہیں, مگر پبلک پلیٹ فارم پر یہ سہمت نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا مان جاتا ہے. آج میں آپ کو ایک ایسی ہستی سے انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں جو مجھ سے ہزار ہا گنا بہتر ہے. وہ ہیں نندو بھائی. آپ دیکھتے ہیں یہ میری ٹانگیں بھی دباتے ہیں, یہ میری سیوا بھی کرتے ہیں. جب تک میں یہاں رہتا ہوں یہ بھاشن بھی نہیں دیتے. کیوں؟ کیوں؟ ان کو اپنی گواہی کا مان نہیں ہے. ان کو اس بات کا بھی نہیں آتا کہ جو میرے شش ہیں یہ مجھے کہیں گے کہ مجھے پنڈت جی سے نیواں سمجھتے ہیں, سمجھ لیں گے. ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ مجھ میں یہ عادت نہیں, میں سب کی عزت کرتا ہوں, سب سنت مہاپرشوں کا مان کرتا ہوں, اور اپنے آپ کو میں نے اس شکل میں گرو نہیں پیدا کیا, پیش نہیں کیا دنیا میں جس شکل میں دنیا گرو کے آچاریہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں نا کہ تم مرو گے ہم تمہیں لے جائیں گے, یہ کہتے ہیں. انت سمے میں تم کو لے جاؤں گا. گرو تو بنے ہوئے ہیں, نام دیتے ہیں, تو کہتے ہیں انت سمے میں گرو لے جائے گا. تو وہ یوں نہیں کہتے میں لے جاؤں گا, تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جب انہوں نے نام دیا ہے وہ گرو بنے ہوئے ہیں, تو جب گرو لے جائے گا تو ان کے تو وہی گرو ہیں. دوسرا تو یہی سمجھتا ہے نا کہ یہی ہمیں لے جائیں گے. نہیں سمجھ میں آئی آپ کی بات, آتی ہے یا کہ نہیں آتی ہے؟ میں نے اپنے آپ کو گرو کی حیثیت میں پیش کیا, مگر میں نے اپنے آپ کو گیان داتا, راز داتا, پیٹ داتا, سار داتا, حقیقت کے بتلانے والے کی حیثیت میں گرو کی حیثیت میں پیش کیا. میں نے اس حیثیت میں پیش اپنے آپ کو نہیں کیا کہ میں تم کو ست لوک لے جاؤں گا. تو اس خیال سے میرا ابھی تک وہ مان جو تھا نا وہ نہیں مرا اور ان کا مرا ہوا ہے, جس سے ثابت ہوا کہ یہ مجھ سے ہزار ہاتھ درجے بہتر ہے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ فقیر چند تو اتنی باتیں کراتا ہے, تیرا تو نے مان کو کیوں نہیں مارا؟ تم پوچھ سکتے ہو کہ تم نے مان کو کیوں نہیں مارا؟ بھائی جی نے تو مار لیا, یہ تو پرم سنت ہو گئے.
तूने क्यों नहीं मारा? बात यह है कि ऐसे पुरुषों की संगत से, जैसे भाई जी हैं जिनका मान अपमान दोनों को त्याग किया हुआ है, आपको तस्कीन और शांति या सच्ची तस्कीन मिलने की उम्मीद हो सकती है इनसे, इनकी अमली जिंदगी अमली पहलू से। मेरे जिम्मे कुछ और ड्यूटी है। मैं इस संसार में संत सदगुरु वक्त की हैसियत में पैदा हुआ हूं। मैं इस संसार में संत सदगुरु वक्त की हैसियत में पैदा हुआ हूं। अब मेरे इन लफ्जों को सुन के जो कई आदमियों को कहते हैं ये अहंकारी हो गया बूढ़ा, और मैं खुश होता हूं कि कम से कम मेरे पास आम आदमी तो मेरे पास नहीं आएंगे। मैं सिर्फ अहले दिमाग आदमी वालों के लिए प्रकट हुआ हूं। क्या कहता हूं कि संत सदगुरु कहते हैं, संत वो है जो सत्य में रहता है। सत्य एक तत्व है, असलियत है और हकीकत है। हकीकत का ज्ञान का नाम संत सतगुरु है। असलियत के, हकीकत के इजहार के, असलियत और वास्तविकता और सत्यता के इजहार का जो जहूर है उसका नाम संत सतगुरु है। इस वक्त जो जिस वक्त में हम इंसानी नस्ल जिस मुसीबतों और जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, कोई है दुनिया में शांति? तुम घरों में देखो, मुल्क में देखो, दुनिया में देखो, क्या हो रहा है? है कहीं चैन? भय, डर, जुल्म, सतम के कितने नक्शे दुनिया में आ रहे हैं। चीन ने क्या किया? मेरी बात को सोचो। अरे चीन को छोड़ो, हम अपने घरों में एक दूसरे पर चीन से भी ज्यादा जुल्म करते हैं। एक तुमको कहानी सुनाता हूं सच्चा हुआ क्या। होशियारपुर में एक कोई डॉक्टर हैं, वो और उनकी लड़की उनके साथ थी, वो भी नामधारी है मगर किसी और गुरु के, मेरे नहीं, किसी और गद्दी के। जहां उन्होंने लड़की थी वो व्यास वालों के सत्संगी हैं। अब जो उसकी सास है वो अपने नूह जब सामने आती है तो झुंड निकाल लेती है कि ये मेरे गुरु की चेली नहीं है, उसके पकाए हुए खाने को नहीं खाते क्या गया हूं। इसलिए मेरा मिशन है केवल जगत कल्याण। मैं वो बात कहता हूं, यानी वो ज्ञान देता हूं, वो हकीकत और असलियत का इजहार करता हूं जिस पर अमल करने से, जिस पर विचार करने से हर एक मजहब, हर एक पंथ, हर एक मुल्क वाला इंसान अपनी इस शरीर के जीवन को बेहतर और खुशतर बना सकता है। बात समझ में आई? क्योंकि मैंने ये काम करना है इसलिए मैं सबका दास हूं, सबका दीन हूं, मगर जहां कोई मत मतांतर वाला या मजहब वाला या कोई अपने अमली जीवन से या लफ्जों की सूरत में ऐसी बात कहता है जो उस वास्तविकता और सत्यता और हकीकत के बरखिलाफ है जिससे कि हम इस दुनिया में रहते हुए दुखी, अशांत और भ्रांतमय होते हैं,
मैं उसके बरखिलाफ आवाज उठा दिया करता हूँ। मैंने अपनी पोजीशन आपको साफ कर दी अग नहीं कर दी। तो आप लोगों का काम परमार्थिक कौन बनाएगा? परमार्थिक काम क्या है? उस अवस्था में पहुंच जाना जिस अवस्था में मैं पहुंचा, उस अवस्था में पहुंच जाना जिस अवस्था में कबीर पहुंचा। कबीर किस अवस्था में पहुंचा? ये शब्द आप पढ़ रहे थे ना, पढ़ो, दूर गवन तेरा हंसा हो। कहां पहुंचा कबीर? ओ घर अगम अपार, दूर गवन तेरा हंसा हो, घर अगम अपार। नहीं वे काया, नहीं वे माया, नहीं वे त्रिगुण पसार। नहीं वे काया, नहीं वे माया, नहीं वे त्रिगुण पसार। चार बरन ओवा है नाही, ना है कुल ब्योहार। दूर गवन तेरा हंसा हो, घर अगम अपार। दूर गवन तेरा हंसा हो, घर अगम अपार। इसका क्या सबूत तुम कैसे कर सकते हो कि तुम इस अवस्था में पहुंच गए? इसका सबूत ये नहीं है कि तुम अभ्यास करते करते कहां पहुंचे हो। इसका सबूत ये कर सकते हो कि जब तुम अकेले बैठते हो, अगर तुम्हारी खोपड़ी में ये त्रिगुण जगत के विचार और इसमें आकर्षण शक्ति है, तुमको ये ख्याल है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, तब तक तुम उस मंजिल पर नहीं पहुंचे। बेशक कानों में उंगलियां डाल के अभ्यास करते रहो, जब उठोगे तुमको इस बात का यकीन है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, तुम बाप हो किसी के, तुम किसी के बेटे हो, तुम किसी के ताऊ हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो। जब तक ये ख्यालात का यकीन तुम्हारी खोपड़ी में है, तब तक तुम लाख अभ्यास करते रहो, तुम वहां नहीं पहुंचे। बात सच्ची कह रहा हूं मेरी दुर्गियां, तू या दीगर आदमी कई मुझे प्यार करते हैं, मुझे महात्मा या गुरु मानते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे दिमाग की ये हालत होनी चाहिए जो कबीर ने कही है कि जब हम दुनिया में रहते हैं, हमको इस बात का अहंकार ही ना आए कि हम ब्राह्मण हैं, हम गुरु हैं, हम चेले हैं, हम भाई हैं, किसी के ताऊ हैं, हम अमीर हैं, हम साइकिलिस्ट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। जब ये भाव ही इंसान के दिल से उठ जाते हैं, ये अवस्था जो जो जिसको हासिल कर ली, खाए इस अवस्था को बिना अभ्यास के हासिल कर जाओ, खाए इस अवस्था को अभ्यास से हासिल कर जाओ, ये मंजिल मुश्किल। इसलिए कानों में उंगलियां डाल डाल के मैंने परसों आपको ये जुबान दी थी कि मैं वो तरकीब तुमको बताऊंगा कि जिस तरकीब से तुम्हें कोई मेहनत और मुशक्कत की जरूरत न रहे। मैंने भी तो उम्र खोने के बाद यही पहुंचा। समझ में रही है? पढ़ो इस कड़ी को फिर दोबारा। दूर गमन तेरा हंसा हो, घर अगम अपार। दूर गमन तेरा हंसा हो, घर अगम अपार। नहीं वह काया, नहीं वह माया, नहीं वह त्रिगुण पसार। चार बरन उमा है नाही, ना है कुल ब्योहार। दूर गवन तेरा हंसा हो, घर अगम अपार। कुल व्यवहार वहाँ कैसे नहीं हो सकता? जब तुम दुनिया में रहते हो, बाप बन के खेलते रहो, भाई बन के खेलते रहो, मगर तुम्हारे दिल में उसका ये ख्याल ना आए, दुनिया ख्वाब नजर आए। काम करता है
यथारथ काल से आए, हमें यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ आके सब कुछ हो गया, मुझे यकीन है ना कि ये मेरा कुछ भी नहीं, मैं कल को आज शाम में यहाँ से चला जाऊंगा, समझिए मेरा मतलब यही यकीन है ना। तो जिसको ये यकीन हो जाता है कि ये दुनिया ख्वाब है, जिसको ये यकीन हो जाता है कि ये तो मुसाफिर खाना है, तो अभ्यास साधन किस लिए करते हैं? ये यकीन के लिए तो कराया जाता है कि दुनिया ख्वाब है और है क्या। अभ्यास कराया किस लिए जाता है? इसी वास के बताने के लिए कराया जाता है। तो अगर ये हालत सत्संग में उस शख्स तुमको मिल जाए, तो फिर अभ्यास और पिछला त्रदत करने की क्या जरूरत है दोस्तों? गुरु मिले तब कहा कमाना हो। पदम सिंह, तुम मेरे गुरु भाई हो, तुम लोगों को सत्संग करा रहा हूँ। अनंत राव सुन रहे हो क्या कह रहा हूँ? समझ गए? अगली कड़ी, नौ छे चौदह विद्या नहीं नैवे बैठ विचार, नौ छे चौदह विद्या नहीं नैवे बैठ विचार, जप तप संयम तीर्थ नहीं, जप तप संयम तीर्थ नहीं, नहीं नेम आचार, दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार, दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार। जो शख्स कोई तीर्थ धर्म नियम आचार इनके साथ अटैच नहीं है, इनकी कोई वक्त नहीं समझता, वो ही पहुंचा हुआ है। बात साफ हो गई? अगली कड़ी, पांच तत्व नहीं उत्पत्ति भैले सौ पर लेके पार, पांच तत्व नहीं उत्पत्ति भैले सौ पर लेके पार, तीन देवना तैतीस कोटि नहीं दसा अवतार, दूर गमन तेरा हंसा हो घर अगम अपार, दूर गमन तेरा हंसा हो घर अगम अपार। जिस वक्त इंसान की खोपड़ी में बात समझ में आ जाए, कोई वक्त था जब मैं राम को पूजा करता, कोई वक्त था जब मैं कृष्ण महाराज की पूजा करता, राम तंशधारी मेरे सामने खड़े रहते थे, कृष्ण बंसी लिए मेरी आंखों के सामने खड़ा रहता था, दाता जाल की मनोहर मूर्ति मेरे सामने रहती थी, अब भी रहती है, ये नहीं कि नहीं रहती है, मगर वो जब मैं मन के तबके में आता हूँ, मगर मेरा अब उस मूर्ति से बंधन नहीं रहा, मुझे ज्ञान आप लोगों ने दे दिया, ये सब बरकत आप लोगों की। दाता ने जिस वक्त 1919 में मुझे 1918 के दिसंबर को जब ये आचार्य पदवी दी है, और पांच पैसे और नारियल रख के मेरे पांव पर, देखो जी ऐसे भी जो गुरु किसी को मिला जिसने एक बेवकूफ इंसान को ज्ञान देने के लिए अपना वो मस्तक जिसमें समुन्द्र भरा हुआ था उस बेवकूफ जन के पांव पर रख दिया। यह है शान फकीरी। कितने मिले लोग, मैंने अगर आज भाई जी की तारीफ की है कि ये हजार हाथ दर्जे मुझसे बेहतर हैं, तो मैंने गलत नहीं कहा। दाता जाल ने अपना वो मस्तक, वो सुंदर सुनहरा चेहरा और वो डेढ़ गेट ऊंची मस्तक वाली जो खोपड़ी थी उनकी, उसको मेरे पांव पर रखकर
मत्था टेका था किस लिए कि ये बेवकूफ है इसकी खोपड़ी में बात समझ आ जाए। शिष्य ने गुरु को ये जाने सबको गुरु ने जो शेष को कोई गिरराजी हो जहां दाता ज्ञान ने मुझे बेवकूफ को ज्ञान देने के लिए अपना मस्तक मेरे पांव पर रखा था। मैं थप्पड़ मारता हूँ अपने आप को कि मैं ऐसा नाराज था। वहां ये नंदू भाई जो दाता ज्ञान के रूप है ये वही सलूक मेरे साथ कर रहे हैं जो दाता ज्ञान ने किया। मेरी टांगे दबाते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरा मान करते हैं। मैं दक्षिणाचार्य सैन बैन को जो जुने ताको कहिए दान सैन बैन जो ना लखे ताको कहे बला पदम सिंह सुन रहे अगली कड़ी मस्ती आ रही दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार सोरे शंख के आगे होई समरत कर दरबार सोरे शंख के आगे होई समरथ कर दरबार सेत सिंहासन आसन बैठे सेत सिंहासन आसन बैठे जहाँ सबत जनकार दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार दूर गवन तेरा हंसा हो घर अगम अपार। मेरे तजर्बे में जो बात आई है वो क्या आई है जिस तरह से मैंने सत्संगियों के बातों का जिक्र सुनाता हूँ ना वो कहते हैं कि वो पद्म के फूल पर देखते हैं प्रकाश रूप में मेरा रूप देखते हैं अपने अंदर क्योंकि मैं लाइव होता हूँ मैं नहीं जानता तो उनके अंतर वो जो प्रकाश रूप में प्रकट होता है वो कौन है उनका अपना ही आत्मा है उनका अपना ही आत्मा है तो उन लोगों ने मुझको यकीन दिला दिया अब मैं किसी गैर की उपासना नहीं करता मेरे अंदर में ज्ञान हो गया ना तो अब मैं ना तो मजहब के बंधन में आया ना कुल के बंधन में आया ना किसी और चीज के बंधन में आया ना राम या कृष्ण या अवतार पूजा के बंधन में किसी के बंधन में ना आया। जब मेरे तमाम बंधन छूट जाएंगे तुम आप सोचो जब सब तरफ से तुम अलहदा हो जाओगे कहाँ ठहरोगे। जो कुछ तुम्हारे अंदर से निकलता है उसको तो तुम छोड़ गए ठहरोगे कहाँ वही ठहरोगे जो तुम्हारा अपने ही स्वरूप है। तुम्हारा स्वरूप कुछ ना कुछ तो है वो तुम उस स्वरूप को देख नहीं सकते क्योंकि अपने आप को कोई देख नहीं सकता इसलिए वो अलग है अपने आप को कोई जान नहीं सकता इसलिए वो अदम है अपने आप का रूप रंग रेखा नजर नहीं आता इसलिए वो अनामी है। तो अल्लाह का गम अनामी कौन है तुम हो तुम हो कि नहीं ये मेरा जिंदगी का तजर्बा मुझे यहाँ मुझे पहुँचा दिया बताया ना यही कबीर साहब कहते हैं पढ़ो क्या कहते हैं दूर गमन तेरा हंसा हो घर अगम अपार के रूप कहा वर्णों में मां तिन गति अपरंपार
अवतार पुरुष रूप का वर्णा महिमा तिन गति अपरंपार कोटि भानु की शोभा जिनके एक एक रोम अजार दुर्गमन तेरो हंसा हो घर अगम अपार। सारी जिंदगी में तलाश करता रहा वो उस चीज को जिसके अंतर से करोड़ हां चांद और करोड़ हां सूरज निकलते रहते। ये चीज अनुभव से मालूम होती है। आपको करा रहा हूं दक्षिणा चाहिए सत्संग। मैंने आप लोगों से बहुत कुछ हासिल किया है। आप लोग मेरे गुरु हैं और उसके इवज में जो कुछ मैंने हासिल किया है मैं आपको वो देता रहता हूं। ये तो म्यूचुअल देना लेना है। कुछ तुमसे मैंने लिया और कुछ मैंने तुमको दिया। समझिए ना मतलब मेरा नहीं। गुरु बतावे साध को और साध कहे गुरु पूज अर्ज बरस के मेरे से पूजी पूज अब तो वो क्या है। एक तो है प्रकाश में देखता हूं। हो सकता है किसी महापुरुष को कभी ने क्या देखा हो मुझे क्या मालूम। मुझे क्या मालूम स्वामी जी ने अपने अंदर में क्या देखा मुझे क्या मालूम। गुरु नानक ने अपने अंदर क्या देखा मुझे क्या मालूम। मैं कुछ जानता हूं जो मैंने देखा मैं वो कह रहा हूं क्योंकि यही मेरा कर्म है। अंतर में प्रकाश है महान से महाप्रकाश है। देखता हूं मगर हमेशा मैं भी नहीं देख सकता। मौज की बात है जब कभी समाधि लग जाती है तब देखता हूं। तो सिवाय प्रकाश और शब्द के भंडार के उसकी तो था ही नहीं मिलती नहीं ना मिलती। तो वहां से मुझे अनुभव हो गया कि ये दुनिया नजर आ रही है जो इसका बड़ा भारा सूत भंडार है उसके बीच में से तो करोड़ों सूरज और चांद और सितारे निकल निकल के बन रहे हैं और उसी में लय होते रहते। मौजूदा साइंस भी साबित करती है इस सूरज के आगे और सूरज है उस सूरज के आगे और सूरज है उस सूरज के। तो ये जो रियलाइजेशन अनुभव इंसान को मालूम हो जाता है अनुभव के द्वारा मैं इसको सत मानता हूं जो कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा। बात आपकी समझ में आ रही। एक तो ये है। दूसरा ये है कि चांद और सूरज क्या है। राधा स्वामी ज्ञान ने वाणी में लिखा है भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञाना। और ऐसा कोई शब्द है यानी उन्होंने चंद्रमा को मुशाबत दी है भक्ति से। क्योंकि भक्ति का सहारा इंसान को ठंड देता है। अनुभव समझ विवेक ये रोशनी देता है। दिमाग खुलता है। तो हमारे दिमाग के अंदर कोई एक किस्म के सहारे हैं या एक किस्म के ज्ञान है एक किस्म के विचार हैं। अनेक प्रकार के हमारे सहारे हैं अनेक अनेक प्रकार के मेरे। ये मैंने इसका भाव समझा मगर ये निकले कहां से अगली कड़ी। चर अक्षर दोनों से न्यारा सोई नाम हमार। चर अक्षर दोनों से न्यारा सोई नाम हमार। सार शब्द को नहीं के आयो सार शब्द को नहीं के आयो मृत्यु लोक मझार। दूर गवन तेरा हमसा हो घर अगम अपार। दूर गवन तेरा
हंसा हो घर अगम अपार। कबीर क्या कहता है, वही नाम हमार, यही मैं कहता हूँ, वही नाम हमार। अरे जो मैं हूँ वही तो तुम हो, वही तो तुम हो, सत्यम स्वयं असि, तुम वही हो और मैं भी वही हूँ, कोई फर्क तो नहीं है। मगर सिर्फ वाचिक ज्ञान कह देने से तुम उस वक्त तब वो हो जब पहले पिंड अंड ब्रह्मंड और सबके ख्यालात को छोड़कर जात वर्ण कुल क्रिया के भावों को छोड़कर गुरु और चेले के व्यवहार को छोड़कर जब तुम अपने स्वरूप में आप कायम हो जाओगे उस वक्त जितनी तुम्हारी दुनिया है ये तुमसे ही निकली है और तुम में ही समा जाती है। तुम्हारी दुनिया जो है वो तुमसे निकल करके तुम में समा जाती है, मेरी दुनिया मुझसे निकल के मुझ में समा जाती है। अब मेरे भाव को आपने समझा नहीं समझा, तो हम कौन हैं? जब मैं जिस्म में आगे बात करता हूँ उस वक्त मुझे ये कहना चाहिए मैं चैतन्य का बुलबुला हूँ, शुल्क रूप मैं वो नहीं हूँ। इस वक्त मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ मैं वो नहीं हूँ, एक तरीके से उससे जुदा भी नहीं। सूरज की किरण सूरज से यहाँ आई हुई है वो सूरज से अलहदा नहीं, मगर वो अगर अपने आप को सूरज कहती है वो बेवकूफ है। तो अहम ब्रह्म कहने वाले जितने हैं ये सब के सब गलती पर हैं। ये अहम ब्रह्म कहने का मजमून नहीं, ये अहम ब्रह्म होने का मजमून है। कहना हो रहा है और हो, तुम कब होगे? जब तुम ये सब खेल जितना तुम्हारा है इसको छोड़ जाओगे। अब इसको छोड़ने के लिए दो तरीके हैं, या तो साधन से करो, अभ्यास कर करके खुद अपने रूप को देख लो, जहां तुमने देख लिया फिर अभ्यास की कोई जरूरत नहीं। दाता अभ्यास बीमार करते ये 6 महीने का कोर्स है, यही कहा करते थे ना। अगर मैं कह दूं कि समझदार आदमी के लिए 6 दिन का कोर्स है या 6 घंटे का कोर्स है तो गलती नहीं है, मगर किन के लिए यहां दुनिया भूली हुई है, जिसको सिर्फ कोई दुनिया की आस नहीं है। हम लोग और आप लोग जो दुनिया में आशाओं के पीछे फिर रहे हैं, एक शब्द निकालो आस आस जीव बंद आस जम की फांसी, आस आस जीव बंधे आस जम की फांसी, आस ले निराश बने चित से उदास बने, डूबत सांस सांस बने जग कराई हंसी। आस आस ये शब्द किस वक्त का है, याद है आपको? भाई जी को याद है जब मैं 1921 में आरती करने गया था उस वक्त दाता दयाल ने ये शब्द लिखा था और वो सारे शब्द मेरे ही नाम लिखे गए थे और वो तोहफा दरवेश की शक्ल में छाया हुए हुए। तो वो मुझे क्या कहते हैं मुझे वो पढ़ो। आस आस जीव बंधे आस जम की फांसी, कोई चाहे धन का दान, कोई मांगे मन का।